प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। लालू यादव जमानत पर रिहा हैं, दिल्ली में हैं, तेजस्वी लंदन में हैं और तेज प्रताप राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं से हंगामा न करने की अपील कर रहे हैं। एक बार फिर लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली, भोपाल, गोपालगंज समेत 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़े मामले की जांच हो रही है और बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इसी मामले की जांच के लिए छापेमारी की है। पटना में सुबह के 6:30 बजे ही सीबीआई अफसर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंच गए थे। टीम को अंदर प्रवेश करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में सीबीआई के और अफसर भी बारी बारी राबड़ी आवास पर पहुंचते रहे। सुबह 9:45 बजे के करीब एक महिला अफसर को अंदर आने की इजाज़त दी गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आधे घंटे में कई दर्जन ट्वीट कर दिए। इसमें एक के बाद एक उन्होंने सरकार के खिलाफ बातें लिखीं। इस छापेमारी से रोहिणी आचार्य का गुस्सा ट्विटर पर सीधा दिखा। उन्होंने कई ट्वीट किए जिसमें बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला को लेकर हमला बोला गया है। सरकार के खिलाफ भी कई बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा लिखा यह है कि देश बेचवा गिरोह से लालू यादव डरेगा नहीं। रेलवे में हजारों करोड़ का मुनाफा देकर देश दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, आज देश बेचने वालों की टोली ने सत्ता का दुरुपयोग कर उन्हीं पर छापा मरवाया। यह छापेमारी ऐसे वक्त में हो रही है जब लालू यादव राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पटना में नहीं है। वे 2 दिन पहले लंदन रवाना हुए हैं। लालू यादव खुद फिलहाल दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के आवास पर हैं। लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 तक जब वह केंद्र में रेल मंत्री थे तब रेलवे रिक्रूटमेंट का एक घोटाला हुआ था। ऐसा उस वक्त आरोप लगा था कि एक केस भी दर्ज हुआ था। रेलवे की ओर से जो बहाली निकाली गई थी उसमें धांधली का आरोप लगा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम इसी सिलसिले में राबड़ी देवी आवास पहुंची है। हालांकि अब तक सीबीआई की ओर से कोई बयान नहीं आया है। छापेमारी के बीच तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास से बाहर आए और उन्होंने कार्यकर्ता और नेताओं से हंगामा न करने की अपील की है। ऐसी खबर है कि उन्होंने सीबीआई अधिकारियों के कहने पर यह किया है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।